दोस्तों आज आप कितने दिनों के हुए या फिर कितने मंथ के हुए या फिर कितने साल के हुए, यानी कि सब कुछ एक ही फार्मूले से चेक करना बताऊंगा। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की बताऊंगा। वीडियो बहुत यूजफुल है तो बिना देरी किए चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक्सेल ओपन कर रखा है। सबसे पहले हम आज की डेट लिखेंगे, जैसे आज तारीख है 28 अप्रैल 2024, तो यहाँ पर मंथ को पहले लिखा जाता है। देखिए 4/28/2024 लिख देते हैं, यानी कि 28 अप्रैल 2024। ओके, इसके बाद इसी सेल के नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। जैसे अभी हम यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ 14 मार्च 2000 मेंशन करने के लिए 3/14/2000 यानी कि मंथ को पहले लिखना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम फार्मूले का यूज करेंगे, तो किसी भी ब्लैंक सेल में इक्वल टू लगाना है, उसके बाद लिखना है डेट डिफ, इसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है, इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेना है, फिर कॉमा लगाना है, इसके बाद फिर आज की डेट पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट करना है, इसके बाद फिर कॉमा लगाना है, इसके बाद डबल कोट्स लगाना है। अब यहाँ पर पहले डेज चेक करना है तो केवल डी को मेंशन कर देना है, इसके बाद डबल कोट्स लगा देना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है। अब सिंपली इंटर प्रेस कर देना है। बस यहाँ पर देखिए, जन्म से लेकर आज तक 8,811 दिन हुए हैं। इतनी बात आप समझ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर अभी केवल डेज निकाला है। अगर आपको ये देखना है कि जन्म से लेकर अभी तक कितने साल हुए हैं, तो इसी पर डबल क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो डी लिखा है इसको वाई करके सिंपली इंटर कर देना है। बस यहाँ पर देखिए, ईयर आ चुका है, यानी कि 24 साल के हुए हैं। ओके, मान लीजिए आपको मंथ देखना है तो इसी पर डबल क्लिक करना है, फिर जहाँ पर वाई है उसको हटाकर मंथ के लिए एम करके इंटर कर देना है। बस यहाँ पर आप देखेंगे कि मंथ आ चुके हैं, यानी कि अभी तक इतने मंथ के हुए हैं। ठीक, इतनी सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं। आप चलते हैं शॉर्टकट की तरफ, यानी कि कुछ शॉर्टकट की भी सीख लेते हैं। तो पहली हमारी शॉर्टकट की है कर्सर को आगे बढ़ाने के लिए, जो है Shift+F4। जैसे देखिए, अभी हम अपने कर्सर को फर्स्ट सेल पर ले आते हैं, इसके बाद Shift+F4 को बार बार प्रेस करके देखिए, आपका कर्सर नेक्स्ट सेल पर जंप करता रहेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट। तो अगली हमारी शॉर्टकट की काफ़ी यूजफुल है, जो है वर्कबुक को मिनिमाइज करने के लिए। जैसे देखिए, अभी हम प्रेस करते हैं Ctrl+F9, तो यहाँ पर देखिए हमारी वर्कबुक मिनिमाइज हो चुकी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अगली हमारी शॉर्टकट की वर्कबुक को मैक्सिमाइज करने के लिए है। जैसे देखिए, अभी हमको मैक्सिमाइज करना है तो Ctrl+F10 यानी कि Ctrl+F10 को प्रेस करते हैं। बस यहाँ पर हमारी वर्कबुक मैक्सिमाइज हो जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की बोल्ड या अनबोल्ड करने के लिए है। जैसे देखिए, अभी हम किसी भी टेक्स्ट या वैल्यू पर क्लिक करते हैं, इसके बाद Ctrl+2 को बार बार प्रेस करके देखिए, बोल्ड और अनबोल्ड होता रहेगा। ठीक, अब आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।